अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सीमा अशरफी। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड पुरानी सी रेसिपी। पुरानी सी रेसिपी डोसे की है ना। तो आज बन रहा है नाश्ते में डोसा, तो आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो कढ़ाई पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं कि कढ़ाई कितनी काली है, कढ़ाई पुरानी है। और मतलब डेली का खाना जो है ना पुराने बर्तनों में ज़्यादा अच्छा बनता है। डेलिकेट बर्तन जो रहते हैं ना उसमें बड़ा संभल के बनाना पड़ता है ना। तो यहाँ पे बन गया है बढ़िया सा भुर्ता आलू का, मटर वाला। मटर का सीजन है और ये बन गया है बढ़िया सा सांभर। सांभर बहुत टेस्टी है। डोसे का बैटर तो ही हमेशा वाला, 3 कप मतलब 3 हिस्सा चावल लेना है आपको और 1 हिस्सा दाल लेना है हमेशा की तरह। और मैंने कल सुबह में इसे भिगाई थी, रात में इसे पीसा और आज सुबह में इसे बना रही हूँ डोसा आप सबके लिए। जो कोई मेरे आसपास है वो बिल्कुल आ सकते हैं डोसा खाने के लिए। अदीबा को बहुत याद आती है मेरी चीज़ें देख के कि चाची खिलाओ, तो अदीबा बिल्कुल आ सकते हैं, जिसको भी आना है वो बिल्कुल आ सकते हैं। तो तवा हल्का सा ऑयल लगा के ग्रीसी हुआ है और ये मैंने डाल दिया डोसे का बैटर। अब ये मेरी रखते इज्जत, क्योंकि कभी कभी कटोरी में चिपक के रिटर्न आ जाता है ना और बेइज्जती कर देता है डोसे का बैटर हमारी। तो बस तरह से मैंने इसे फैला दिया है और फुल फ्लेम कर देना है। पहले सिम फ्लेम पे इसे फैलाना है और फिर उसके बाद फुल फ्लेम करना है। कभी कभी क्या होता है फुल फ्लेम पे जब हम फैलाते हैं ना तो बैटर वापस से कटोरी में चिपक कर आ जाता है। तवा धुएं वाला गर्म नहीं होना चाहिए, तो बस ट्रांसपेरेंट हो जाएगा इस तरह से। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, तो बस इस पोजीशन पे जो है ना इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे ऊपर से। और जो ये हमारा लकड़ी वाला स्पून है इसे ऐसा हल्का सा फ्लैट करेंगे ताकि ऑयल डोसे में हर तरफ से एब्जॉर्ब हो जाए, है ना। और फुल फ्लेम पे इसे छोड़ देंगे, ज़्यादा से इधर से उधर से निकालने की ज़रूरत नहीं, खुद ही निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए डोसा अच्छे से पक गया है। और जब ये अच्छे से पक जाता है ना परफेक्ट डोसा, तो खुद ही निकल जाता है। ये देखिए ये खुद ही निकल चुका है। और इस पोजीशन में मैं इसे तवे से बाहर निकाल दूंगी। हमने फुल फ्लेम पे बनाया, अब फ्लेम को सिम कर देना है ना। सिम करने के बाद अब देखिए मैं इसमें देती हूँ मुजम्मिल को बढ़िया सा आलू का भुर्ता। और आज मैंने नारियल वाली चटनी नहीं बनाई इसलिए क्योंकि सबको घर में खाती है, उसमें दही भी होता है उसमें नारियल भी होता है, तो मैंने नारियल वाली चटनी नहीं बनाई है। बढ़िया सा सांभर और ये बन के तैयार हुआ है डोसे का प्लेटर, है ना। थैंक्स नहीं बोलते, खा लो अच्छे से। हाँ। तो ये बना है परफेक्ट पेपर डोसा, बहुत क्रिस्पी इस टाइप से, है ना। तो ये मुजम्मिल ने बोला कि क्रिस्पी वाला नहीं बना। तो बाहर के डोसे में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऑयल होता है ना, तो बहुत क्रिस्पी हो जाता है। और परफेक्ट डोसे की पहचान है इस तरह से नेट वाला, ऐसे जाली आना चाहिए। ठीक है, अभी खाते हैं फिर आगे खाते हैं। करते मम्मी मैं टेलर के यहाँ जा रहा हूँ और लॉन्ड्री में जो कपड़े आपने देने बोले थे ना वो भी दे देता हूँ। लॉन्ड्री के कपड़े जब देंगे ना तुम, हाँ, तो उसमें एक पैकेट में अलग मेरा कुर्ता रखा है, उसको अच्छा। स्टीम प्रेस करना है, उसको मैंने घर में धोई हूँ, ठीक है, उसको नहीं धुलाना है। ठीक है, उसको बिल्कुल नहीं धुलाना है, उनको बोलना सिर्फ इसको स्टीम प्रेस करना है। हाँ। तो फ्रेंड्स जब आप लोगों को भी कुछ डेलिकेट कपड़े इस्त्री के लिए देना हो ना, तो आप लोग स्टीम प्रेस करवाए, उसको डायरेक्ट प्रेस या रोल प्रेस करवाने में खराब होते हैं, स्टीम प्रेस करवा लिया करें। तो ये मुजम्मिल जा रहे हैं अभी लॉन्ड्री, आज छुट्टी है मुजम्मिल की, तो मेरे कुछ कुछ काम करके देंगे, है ना। और डोसा तो आपने देख लिया है किस तरह से बनाना है ना, सिम फ्लेम पे डालना है और फुल फ्लेम पे फिर इसे पकने देना है। और यहाँ आज जो है ना मैंने किचन की सफाई निकाला था। जब भी मेरी तबीयत खराब होती है ना तो मेरा आधा ध्यान किचन में होता है, अल्लाह ये पड़ा होगा, ये खराब हो रहा होगा, ये गंदा दिख रहा होगा, तो मेरा सारा ध्यान इस पे है। तो आज मैंने थोड़ा सा, मुझे अच्छा लगा ना तो मैंने किचन थोड़ा सा क्लीन कर लिया, साफ कर लिया, तो इस तरह से सफाई मेरी चल रही है। तो फ्रेंड्स थोड़ा बहुत किचन का जो मैंने साफ सफाई निकाली थी इस तरह से हो गया है मेरा काम। रैग वैग पोंछ के मैंने जगह पे चीजें लगा दी हूँ और सिंपल सा किचन है मेरा। खाना थोड़ा सा अच्छा सा होता है पर किचन थोड़ा सिंपल सा है, बहुत अच्छा मॉडलर किचन, हाई फाई किचन नहीं है। वो क्यों नहीं है वो मुझे भी नहीं पता, आगे होंगे इंशाल्लाह तो वो भी आप लोगों के साथ बताऊंगी, है ना। अभी सब ठीक ठाक हो गया, साफ सफाई हो गई, कुछ सामान फैला है तो उसे भी कर लेंगे और वीडियो को फिर कंटिन्यू करते हैं और फ्रेश होकर मिलती हूँ, क्योंकि बहुत
बुरे हाल हो गए अभी मेरे, अभी ठीक ठाक कर लेती हूँ। अब शाम में क्या बनाना है वो सोचती हूँ, क्योंकि आज मैंने दोपहर में ना शाम का खाना नहीं बनाया था, ऐसे कुछ सोची थी पुलाव या तहरी वहरी बना लूँगी। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि तहरी बहुत बनाते हैं, तो ऐसे नहीं, जब बच्चे पसंद करते हैं घर में जो पसंद करते हैं वही चीज़ें ज़्यादा बनाते हैं, जब काम में रहती हूँ या कहीं बाहर बाहर जाती हूँ तो कोई ईजी सी चीज़ बना लेती हूँ, है ना। अभी दोपहर में ये लोग ने डोसा खा लिए थे, सुबह भी बनाई थी, फिर जिसको डोसा नहीं खाना था उनके लिए बैगन का सालन बना था, रोटी बनी थी, चावल बने थे। तो इस तरह से किचन की सफाई हुई है, अभी चलते हैं, बाकी का काम जो है वो कल करेंगे, और शाम में जो होगा वो भी सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी चलते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स लीजिए, यहाँ पर ये रिजर्व मुजम्मिल का ना केक खाने का मन किया, बगैर क्रीम वाला, सामान कुछ अवेलेबल नहीं था, जो था सामान है मैं उससे बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी रेसिपी। तो फ्रेंड्स बना रहे हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, किचन में जैसे जाते हैं ना, छोटा बच्चा जाता है और अपने मम्मी से पूछता है कि, छोटा बच्चा मतलब छोटी बेटियां हमारी लड़कियां जाती है किचन में और बोलते हैं मम्मी कैसा बनाना है केक, सिंपल सा जो बनता है, बस मैं आज वही हरकत करने वाली हूँ आप लोगों से, तो वही वाला केक बताने वाली हूँ, क्योंकि कई लोग बोलते हैं एकदम सिंपल सा केक बताओ, वैसे तो मेरे सारे सिंपल रहते हैं, बट आज जो मैं बना रही हूँ उसमें अंडा भी नहीं है, है ना, क्योंकि अंडा ऑलरेडी घर में है ही नहीं। रिजा और मुजम्मिल का और मेरा, हम तीनों का दिल हो रहा था कि चाय के पहले वो वाला केक बनाऊंगी सिंपल वाला। तो देखिए पहले शुगर ले लेते हैं, शुगर ले लेते हैं पहले 2.5 कप, जो कप से मतलब शुगर लेंगे, जो कटोरी से लेंगे आप, जो भी मेजरमेंट लेंगे उसी से फिर मैदा भी लेना है ना। तो अभी ले लेते हैं 2.5 कप शक्कर। तो ले लिया मैंने 2.5 कप शुगर, है थोड़ा सा कम हो गया 2.5 कप में, जब तक ये ऊपर से थोड़ा सा गया नहीं ना तो दिल को तसल्ली नहीं होती है। हाँ, वो अभी इसको ग्राइंड करना है ना। तो अभी देखिए इसको जो है ना पीस लेती हूँ, पाउडर बना लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो है ना शुगर को मैंने पीस लिया है, शक्कर का मैंने बना लिया है पाउडर अच्छे से स्पून की मदद से, ऐसा ना सिलिकॉन का स्पून अगर आप लोग के पास भी ना हो ना तो आप लोग खरीद लेना, इजी जाता है ना, मिक्सर के जार में हाथ कटने का डर नहीं लगता है, छोटा भी आता है बड़ा भी आता है, बट सेम मैंने जो लिया ना इस टाइप का लेना, क्योंकि इसके पहले मैंने काफी एक्सपेरिमेंट किया, काफी पैसे वेस्ट किए स्पून के चक्कर में, ऐसे वाला अच्छा होता है पूरा एक जैसा ऊपर से नीचे तक। अब इसमें जो है ना मैं डाल दूंगी थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा मतलब 1 टेबल स्पून, अगर है आपके पास तो ठीक है और नहीं भी है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। और हम बना रहे ड्राई फ्रूट केक, तो मेरे पास जो अवेलेबल थे ना, तो ये मैंने ब्लैक वाली किशमिश थी मेरे पास, उसको छोटे छोटे पीसेस किया मैंने, ये चेरी है और कुछ थोड़े अखरोट है, थोड़ी बादाम है। तो एक केक मैं बनाऊंगी चॉकलेट वाला, उसके लिए थोड़ा सा बचा लूंगी। तो अभी मैं इसमें जो है ना ड्राई फ्रूट डालने के पहले थोड़ा सा शुगर और शहद को मिक्स कर लेते हैं बिटर से। तो मिक्स करने के पहले ना फ्रेंड्स 2 टीस्पून इसमें डाल देंगे वेनीला एसेंस, बड़ा अच्छा लगता है मुझे इसका फ्लेवर, वेनीला एसेंस डाल दी, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं इसे। तो फ्रेंड्स बीटर से हल्का सा बीट किया, चीज़ों को मिक्स किया, ये लिया मैंने 1 कप ऑयल, कुकिंग ऑयल सादा सा सिंपल सा जो घर में हम रोज खाने में इस्तेमाल करते हैं, अगर आपके पास बटर है तो आप डाल सकते हैं, बट मेरी पूरी कोशिश थी कि जो चीज़ें घर में है मैं उसी से बनाऊं, तो इसमें डाल दिया ऑयल। तो फ्रेंड्स ऑयल डाल दिया इसमें, ऑयल डालने के बाद स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेना, ये वाला स्पून अगर नहीं भी हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इसको मिक्स कर देना। तो फ्रेंड्स देखिए अब इसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट ऐड कर देती हूँ, थोड़े से बचा के रखना है हमारे रिजाबाजी के लिए, उन्होंने बोला कि चॉकलेट केक भी बनाना मम्मी, है ना, मुजम्मिल और मुझे वनीला फ्लेवर पसंद है और रिजा को पसंद है चॉकलेट वाला, तो मैं सबकी पसंद का ख्याल रखती हूँ। ये सब ड्राई फ्रूट्स में मिला दिया, बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं है, जितने थे उतने ही डाल दिए मैंने। तो फ्रेंड्स जो कप से मैंने 1 कप ऑयल लिया था ना उसी कप से 1.5 कप मिल्क लेना है इसमें ना, ये जिसका ध्यान रखें मेजरमेंट का, जो कप से ले रहे हैं आप, जो कटोरी से ले रहे हैं उसी का यूज़ करना है ना। 1.5 कप डाल दिया पूरी ईमानदारी से मैंने मिल्क, डालने के बाद क्या करना है इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, लिक्विड बना देना है इसका, और मैं जो है ना थोड़ा सा इसमें 1 बूंद येल्लो कलर ऐड कर दूंगी, क्योंकि केक मुझे अंदर से वाइट ऊपर से तो बहुत अच्छे से सिक जाता है, अंदर से सफ़ेद सफ़ेद दिखता है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा मैं 1 बूंद इसमें येलो कलर डाल दूंगी तो अंदर से केक जो है ना वाइट मैदा नहीं दिखता है। तो फ्रेंड्स देखो अब आई बारी इसमें मैदा डालने की, है ना, तो ये डाल देगी मैदा, 4.5 कप मैदा लेना है इसके लिए, तो यही वाले कप से मैं मैदा लूंगी 4.5 कप मैदा।
चार कप और ये आधा कप, साढ़े चार कप मैदा, साढ़े चार कप हो गया मैदा। सब कुछ डालने के बाद छन्नी से, मैंने ये वाली छन्नी भी जो है ना सस्ती आती है, बहुत ज्यादा महंगी नहीं होती, बहुत काम की होती है, तो आप लोग जरूर खरीद लें। हैंडल वाली होती है ना अपने छोटे से गंज वगैरह में, अच्छे से छानने में आसानी होती है इससे। तो बस सब कुछ मैंने डाल दिया है, डालने के बाद ये स्पून से मिक्स कर लेंगी फटाफट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ले लिया है बेकिंग पाउडर, केक की जान है ना, इन्हें डालेंगे तो पता नहीं क्या हाल होगा केक का। ये मैंने ले लिया है एक टीस्पून बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल देती हूँ, और बेकिंग सोडा, दोनों सेम दिखते हैं ना इसलिए मैं उसी के बॉक्स में रहने देती हूँ। बेकिंग सोडा डाल देंगे पौन चम्मच। यहाँ पे मैंने डाल दिया खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा। सब कुछ डालेंगे, इसको भी छन्नी से छन लेते। सबसे पहले क्या करती हूँ, सोडे का पैकेट सोडे के बॉक्स में रखती हूँ, अब पाउडर का पैकेट और बेकिंग पाउडर रखती हूँ। बेकिंग पाउडर के इसमें ये सोडा और बेकिंग पाउडर पर इसको कर देते हैं रफा दफा। ठीक है, अब सब कुछ मिक्स कर लेते अच्छे से। तो फ्रेंड्स देखिए केक बनाते वक्त थोड़ी सी गड़बड़ ये हो गई, गड़बड़ ये हुई कि कोई बीच में आ गया था और बड़ा डिस्टर्ब हो गई मैं। और ये यहाँ पे वेनिला का जब मैंने पूरा बैटर तैयार किया ना, अपना फ्रूट रूट ड्राई फ्रूट वगैरह सब कुछ डाला, बस मुझे टिन में डालना था, उसी वक्त बेल बज गई घर की। तो मैंने क्या किया, जल्दी से उसे टिन में डाल दिया और अवन में रख दिया। अब ये जो मैं चॉकलेट वाला बना रही हूँ ना, तो इसमें मैं चॉकलेट वाला जो बना रही हूँ उसमें चार कप मैंने मैदा लिया था और आधा कप लिया था कोको पाउडर। सेम वही तरीके से बनाना है चॉकलेट केक को, चार कप मैदा लेना है और आधा कप लेना है कोको पाउडर। 180 डिग्री पर रखा मैंने इसे 40 मिनट के लिए। देखिए यहाँ पर केक ना बहुत अच्छा सिक गया, थोड़ा सा डार्क हो गया है, वो मैं आपको बताऊंगी। बीच में ना कोई आ जाता है ना तो बहुत परेशानी होती है मुझे, जब घर में कोई मेरे मतलब कोई रेसिपी बनाते वक्त कोई मेहमान आ गए ना तो बड़ी दिक्कत होती है समझाने में कि अंदर मैं किचन में क्या कर रही हूँ, आप थोड़ा सा रुक जाइए, ऐसा भी किसी को बोल नहीं सकते ना। अगर हम किसी को बोलते हैं ना तो वो लोग समझते भी नहीं कि आप किसी को बोलकर आओ अच्छा थोड़ा सा दो मिनट रुक जाइए बस मैं आ रही हूँ नहीं। तो केक को थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे, थोड़ा सा रेस्ट पे रहने देंगे इसे, उसके बाद मैं इसे निकाल के बताती हूँ आप लोगों को। केक को मैंने थोड़ा सा ठंडा किया है, साइड से छुरी डाल के ढीला भी किया है, अभी देखते हैं क्या हाल है अंदर। प्लीज केक मेरी इज्जत रख लेना। तो माशाल्लाह रख लिया बड़े अच्छे से निकल गया है, वो समझदार केक बना बड़ा। तो यहाँ पे जो है ना मैंने आपको बताई थी बटर पेपर नहीं था, तो मैंने ये जो है ना सूखा आटा डाली थी, पहले ग्रीस किया था ऑयल से या बटर से, तो अब मैंने सूखा आटा डाली थी इसमें। सूखा आटा डालने के बाद थोड़ा सा ये थोड़ा सा साइड से डार्क हो गया है पर बहुत अच्छा है, सॉफ्ट बना है, बहुत अच्छा है, चाय के साथ अच्छा लगता है। फ्रेंड्स मेरे पास है पीसीबी शुगर थोड़ी सी, जिससे मैं इसे डेकोरेट करके आपको सरप्राइज बताती हूँ। तो मैंने आइसिंग शुगर डाला है इसमें, और उसके बाद जो है ना कुछ चेरीज है मेरे पास और ये लीव्स है, तो ये मैं इस पे लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से टी टाइम केक बना है, और ये तो मैंने एक्स्ट्रा डेकोरेट करना आप लोगों को बताया है घर के सामान से। पीसीबी शुगर डाला मैंने, ये सामने जो है ना मेरे यहाँ तुलसी के पत्ते बहुत अच्छे आते हैं ग्रीन ग्रीन, तो वो मैंने तोड़ के इस पे लगा दिया है शो के लिए। और ये आर्टिफिशियल चेरी है जो मैं हमेशा ला के रखती हूँ, आप लोगों को हमेशा दिखती हूँ कि केक में, कभी कभी रियल भी रहती है बट एनी टाइम नहीं होती है, तो ये मैंने वही लगाया है इसमें। तो बन गया है केक, आगे का ब्लॉग फिर कंटिन्यू करते हैं। तो केक बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी है, कट करके भी आप लोगों को बताऊंगी। और डेकोरेट जो मैंने किया है आपको एक आइडिया मिल गया, आप किसी को गिफ्ट में टी टाइम केक देते हैं ना कभी, तो इस तरह से डेकोरेट करके दें, बड़ा अच्छा दिख रहा है ना। क्रिसमस में भी मैं बनाने का सोची थी बट बना नहीं पाई थी, तो अच्छी सी रेसिपी आप ट्राई कर सकते हैं, इसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स इसे मैंने अच्छे से कट करके दिखाती हूँ, जब फौरन मतलब के ओवन से निकाले ना आप तो थोड़ा सा रुक के ही कट करें, ऊपर से थोड़ा सा हार्ड हो जाता है ना वो। तो देखिए बढ़िया सा जो है ना स्पंजी, बहुत टेस्टी, बहुत उम्दा, खा के भी आपको बताती हूँ, अच्छे से पका है अंदर से, अच्छा खासा बहुत टेस्टी है। ऊपर से हार्ड हो गया ना, थोड़ा घंटा आधा घंटे के बाद सॉफ्ट हो जाता है वो, बगैर अंडे का है, अंडे नहीं थे तो आज बहुत अच्छी रेसिपी बन गई।
तो फ्रेंड्स एक बार फिर आ गई हूँ किचन में शाम के लिए तहारी बनाने। आपको बोलकर गई थी मैं शाम में तहारी बनाऊंगी, तो यहाँ पर बन रही है तहारी। और आलू मटर बैंगन डले हैं इसमें, गोभी नहीं डली है क्योंकि गोभी नहीं थी और मुझे गोभी पसंद नहीं आती जल्दी तहारी में, जब कुकर में बनाओ ना थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है वो। तो तहारी बनने के बाद आपको बताती हूँ, और भूख भी लगी है थोड़ी सी, तो खाना खाने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। और यहाँ पे मैं अपना किचन में काम करते करते बीच बीच में अपना मतलब के ऑनलाइन वर्क जो मेरा कपड़ों का है वो देखते रहती हूँ, या किसी का कुछ फोन ओन आया तो बीच में वो भी देख लेती हूँ। रिस्पॉन्स अगर फौरन नहीं दी तो बाद में मैं वापस से कॉल करती हूँ, वापस से रिप्लाई देती हूँ, व्हाट्सएप पे मैसेज देती हूँ। तो ये सब भी मेरे काम, मतलब सब लोग बोलते रहे इतनी सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर लेते हैं, तो बहुत ईजी नहीं होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, मगर करना पड़ता है ऐसी चीज़ों को। तो मैं फ़ोन को कभी इग्नोर नहीं करती हूँ, वापस से कॉल करती हूँ, मैसेज करती हूँ। और यहाँ पे देखिए कुछ बॉक्स मेरे जो है ना किराने के सामान, दालों के सामान, चीज़ें विज़र्ट बॉक्स खाली खाली दिख रहे हैं। तो अभी मैंने जो है ना किराना लाने वाली हूँ एक दो दिन में, तो वो भी सारा कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी कहाँ से लाने वाली, अगर पॉसिबल हुआ तो। अगर पॉसिबल हुआ तो है ना, क्योंकि अभी थोड़ा सा बाहर नहीं जा रही, दो चार दिन से तबीयत ठीक नहीं थी। तो ये सब इसमें, जब भी मैं किराना लाने वाली होती हूँ ना तो पहले मैं क्या करती हूँ पूरा किचन साफ कर लेती हूँ, फिर किराना आया फौरन फटाफट से बॉक्स साफ रहते हैं तो उसमें धो के साफ सुफ करके भर देती हूँ, इसलिए पहले किचन साफ कर लेती हूँ। आप लोगों को भी जब जैसे किराना ला रहे हैं ना आप लोग, तो पहले इस तरह से सारे किचन के डब्बे ये सब धो के साफ करके सुखा के रख ले, तो हमको क्या होता है ईजी जाता है ये सारी चीजों से। तो मैं ऐसे ही पूरे अभी बॉक्स को क्या की हूँ, मैंने धो के पूरे साफ करके सुखा के जो भी किराना लाऊंगी तो वो भी ब्लॉग जो बनाऊंगी तो वो भी आपको बताऊंगी किस तरह से। इसके पहले भी मैंने बताया आपको ड्राई फ्रूट वगैरह तो मैं फ्रिज में रखती हूँ, रवा है, मैदा है, ये सारी चीजें फ्रिज में रखती हूँ। तो फ्रेंड्स तहारी बन जाएगी, जब मिलते हैं आपसे। शादी का कार्ड आया है किसी के पास का। अच्छा, शादियों का सीजन चल रहा है ना, तो शादी का कार्ड है। ठीक है, नेक्स्ट शादी की तैयारी। यहाँ पे बन रही है बढ़िया सी तहारी, और भाई सब इसको अलग अलग नामों से बोलते हैं ना, कोई तो मेरी तहारी को एक बार कमेंट करके क्या बोल दी, इसको खिचड़ी बोलते हैं। तो ठीक है, जो लोग खिचड़ी बोलते हैं खिचड़ी ठीक है, जो पुलाव बोलते हैं पुलाव ठीक है, हम तो तहारी बोलते हैं ना। तो बड़ी अच्छी टेस्टी सी तहारी बनी है, तो खाना खाते हैं। और इसमें ढेर सारे मटर डाले हैं मैंने, मुझे मटर बहुत पसंद है। ये लोग को थोड़ा सा गुस्सा आता है जब मैं बहुत सारे मटर डाल देती हूँ, तो बोलते थे बीच बीच में चावल से ज़्यादा मटर आते हैं, तो मुझे मटर अच्छे लगते हैं। तो खाते हैं तहारी गर्मा गर्म। उसके बाद कुछ काम है, उसके बाद मुझे कुछ काम है, वो भी मैं आपको बताऊंगी और ब्लॉग को कंटिन्यू करते रहूंगी। ये जो है ना जैकेट, मैंने वो तीन बार बोली इसको जगह पे रखो, अरे मैं भूल गया था, भूल गया, अभी तो मैं रख दी। ठीक है, मुजम्मिल जो है अपने काम बहुत अच्छे से करते हैं, अपनी चीजें जगह पे रखते हैं, मगर फिर भी कभी कभी इस बातें सुनने मिल जाती मुजम्मिल को। तो यहाँ पे मुजम्मिल का जो रूम है ना, यहाँ पे मुजम्मिल के रूम की पूरी दीवार बहुत बुरी तरीके से खराब हो गई है, तो मैं अक्सर दिखाती नहीं हूँ, फर्नीचर वगैरह रख देती हूँ तो समझ में आता नहीं। दो तीन दीवार बहुत खराब हो गई, बेड के पीछे की तो पूरा ही निकल चुका है सपाट। तो घर में मेंटेनेंस बहुत है, तो इजी नहीं है चीजें करना, धीरे धीरे करके करो तो हो जाता है, करके कर लेते हैं, मगर ये है कि मुश्किल है, आसान नहीं होती है चीजें करना। दूसरी दीवार तो बहुत ज्यादा, इससे भी ज्यादा खराब है। तो यहाँ पर जो है ना इस टाइप से मुजम्मिल की दीवार मुजम्मिल को सलामी दे रही है। अस्सलाम मुजम्मिल भाई, वालेकुम अस्सलाम मुजम्मिल भाई। अल्लाह ने चाहा तो थोड़ा सा रिपेयरिंग कराएंगे, पुताई उतई कराएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा निकल रहा है ना, पेंटिंग कराना पड़ेगा। चलो ठीक है, सा मटेरियल है मैंने रिजा के लिए लेकर आया था, और ये अय्यूब भाई की शॉप का है, मैंने इसके पहले भी आपको बताया था। तो अभी सोच रही हूँ कि इसको सिलने के लिए डालूँ, क्योंकि टेलर महीना दो महीना तो देते हैं नहीं, तो देखेंगे ईद में या ईद के पहले कभी पहनना है तो। अपने में मेरे भी एक दो ड्रेस है वो भी डाल दूँगी, रिजा के लिए भी डाल दूँगी, रिजा की कुछ कुर्तीज़ है फिटिंग कराने देने की,
तो वो सारे काम करूंगी, तो वो सारा भी कुछ जब भी ब्लॉग लूंगी ना तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। तो ये कुर्ती का मटेरियल आपको कैसा लगा? बहुत प्यारा है, बनारसी मटेरियल इस टाइप से चल रहा है अभी, तो मैं इस पर मैचिंग वगैरह लेकर आऊंगी। मैं सोच रही हूँ इस पर दुपट्टा भी मैचिंग लूँ और बॉटम भी मैचिंग लूँ, तो ऐसे कुछ कल खरीदूंगी जाकर, तो वो सब भी ब्लॉग आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी मैं। तो अभी इसे रखती हूँ, अगर इसके चक्कर में पड़ेंगे तो कपड़ों के चक्कर में तो पूरी रात भी कम है ना। ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, ये सिलवाना है, ये बनवाना है, टेलर ये वो, तो मैं सोच रही ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देती हूँ। तो आज जो मैंने केक बनाया है ना, तो उसकी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी ये ज़रूर बताना। उसमें मैंने खासकर ये बताया है कि जो सामग्री नहीं है उस जो है हमारे घर में, जो नहीं है उसके बिना भी बन सकती है, और जो चीज़ें घर में है उससे हम कितनी अच्छी सी रेसिपी बना सकते हैं। तो बस ऐसी, और मैंने देखी घर में आज डोसा बनाया, जो सामग्री हमारे पास घर में रहती है, दाल है, चावल है, तुअर की दाल का सांभर बन गया, उड़द की दाल चावल भी रहती है हमारे पास, तो घर में रहने वाली चीज़ों से हमने अच्छी सी रेसिपी बनाई। और केक भी जो मैंने बनाया, घर में मेरे पास अंडा नहीं था, बटर नहीं था और कुछ कुछ नहीं था, बटर पेपर नहीं था, तो हमने अच्छा सा केक बनाया। तो मैंने मतलब कि अच्छी अच्छी रेसिपी जो अवेलेबल है उससे बना सकते हैं, स्पेशली लाके नहीं, स्पेशली बहुत अच्छा अच्छा बना सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि मार्केट से जाके बहुत अच्छे अच्छे सामान खरीद के लाना है तो जब ही हमारी कुछ अच्छी सी रेसिपी बनेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आज का वीडियो कैसा लगा? तो आज का वीडियो कैसा, घर पर अगर अंडे है तो अंडे भजे भी बड़े अच्छे लगते हैं सॉस के साथ। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, सब कुछ कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।